नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी वैकेंसी आने के बाद लगातार बच्चों के फोन कॉल और मैसेजेस इतने ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है कि क्या सर ट्रिपल सी इसमें इक्विवेलेंट होगा। तो आपके प्रश्नों का जवाब लेके और सबसे विश्वसनीय वीडियो लेके, आपको पता है कि आपका बड़ा भाई जब आपके सामने आता है तो कोई ऑथेंटिक चीज उसके हाथ में होती है, तभी मैं आपके सामने आता हूं और मेरा प्रयास होता है कि आपके सारे छोटे छोटे डाउट क्लियर कर दिया जाए ताकि आप अपनी पढ़ाई में सही तरीके से मन लगा पाओ और अपनी सफलता अर्जित कर पाओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी का पेपर जो है मात्र 40 दिन 45 दिन आपको मिलता है, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन आपको रणनीति भी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पलसी के बारे में सारे डाउट और क्या है बड़े बदलाव इस बार में, क्या एग्जाम सिलेबस और पैटर्न बदलेगा इसके बारे में भी जानकारी हम लोग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टीम परीक्षा प्लस ने बहुत बेहतर तरीके से आपका एकदम कोर्स जो है जो सबसे कम समय में सबसे बेहतर तरीके से आपको कराया जा सकता है लॉन्च कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है इस नए कोर्स में आपका पुराना कोर्स भी इंक्लूड रहेगा, मतलब दो बैच एक प्राइस में दे दिया गया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। खैर, इस वीडियो में बताते हैं बाकी कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एससी ग्रुप सी डी के जो 3306 पद निकले हैं इनमें से ट्रिपल सी का समकक्ष था, और इसमें बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर जो इसमें ट्रिपल सी का इक्विवेलेंट नहीं मांगा है तो उसमें क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एक बात बहुत ज्यादा यहां पे प्रचलित हुई थी, इससे पहले एक वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आई थी और उसमें हो गया था कोर्ट केस। कोर्ट केस इसीलिए हुआ था, सुगर केन की वैकेंसी थी, केन सुपरवाइजर वाली वैकेंसी थी, और केन सुपरवाइजर की वैकेंसी में क्या हुआ था कि उसमें ट्रिपल सी का इक्विवेलेंट नहीं लिखा था और बाद में बच्चों ने उसमें फॉर्म भर दिया था। आपको मैं ब्रीफिंग समझा दे रहा हूं कि बीच में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शासनादेश आया था, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था कि ट्रिपल सी के समकक्ष ये कोर्सेस हैं, जैसे उसमें पीजीडीसीए था, जैसे उसमें कोपा था, कई सारे, या कोई बीटेक किया हुआ है या एक सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, या अपने किसी भी कोर्स के दरमियान एक सेमेस्टर या एक साल उसने कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा हुआ है तो वो उसके समकक्ष होता है। तो समकक्षता तो आपको पता है कि आप लोग कौन कौन समकक्ष हो, लेकिन आपको ये दिमाग में रहता है कि जहां पे समकक्षता लिख के आता है वहीं पर ट्रिपल सी लेता है, जहां पर समकक्षता नहीं लिख के आता वहां पर उसका समकक्ष नहीं माना जाता। तो ऐसा केस आया था केन सुपरवाइजर की वैकेंसी में, केन सुपरवाइजर की वैकेंसी में समकक्षता नहीं दिया गया था, लेकिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया, और बच्चों ने जब फॉर्म भर दिया तो उसमें क्या हुआ, बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर गए, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद उसमें क्या हुआ, इंटरव्यू था, तो जो सेकंड चरण था उसमें उन्हें डीबी में बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास ट्रिपल सी नहीं था, वो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट थे, और उसमें बताया गया कि इसमें साफ साफ ट्रिपल सी मांगा गया है, आप इक्विवेलेंट वाले हो, आपको कंसिडर नहीं किया गया जाएगा, तो यूपी ट्रिपल एससी ने उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन बच्चे माने नहीं, बच्चों ने क्या किया, कोर्ट में रिट डाली, याचिका डाली, और उसके बिहाफ पे कहानी बदल गई। कहानी क्या है ये पूरा अगर आप देखोगे, ये रिजर्व था, ये पूरा सर्विंग सिंगल नंबर, ये केस नंबर अगर आप देखोगे, ये केस क्या है, पेटिशनर का नाम क्या है, रिस्पोंडेंट का क्या है, स्टेट ऑफ यूपी थ्रो आपका यहां पे कार्मिक अनुभाग 2 लखनऊ और इसका दिया हुआ है, काउंसिल फॉर पेटिशनर बताया गया है, और इसमें इसमें जो केस था, केस आपको यहां पे बता दूं कि पेटिशनर्स ऑफ बोथ द रिट पिटीशन हैव अप्रोच्ड दिस कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 15/1/2020 बाई व्हिच द कमिश्नर सुगर केन एंड सुगर लखनऊ अपोजिट पार्टी नंबर 3 हैज क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट हु पोजेसेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाई डुएक्स सोसाइटी आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू हेल्ड फॉर द अब केन सुपरवाइजर इन परसुएंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर 20 एग्जामिनेशन 2016 का जो एग्जामिनेशन था, इसके आधार पर इन्होंने बोला कि इसमें क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं मांगा गया था इसलिए बच्चे इसमें क्या होंगे, इसमें ये एलिजिबल नहीं होंगे। और वाइड ऑर्डर डेटेड 12/2/2020 पास्ड इन रिट पिटीशन दिस द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट हैड डायरेक्टेड दैट इफ द फाइनल रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटीशन द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस रिट पिटीशन। इन्होंने आगे ये भी बोला था कि जो आपका सबमिशन ऑफ लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटीशन इज दैट एडवर्टीजमेंट was issued on 5/10/2016, ये एडवर्टीजमेंट 5/10/2016 में आया था, और उसके बाद जो अभी जीओ आया है वो बाद में आया है, तो इसे पहले वाले में माने नहीं किया जाएगा, इस आधार पे यूपी ट्रिपल एससी ने बच्चों को बाहर कर दिया। तो बच्चों ने इसके लिए पेटिशन लगाया, उन्होंने बताया कि भैया एक 5/7/2018 में जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था, देखो इन्होंने बोला कि 3/6/5/2016 और 23/9/2016 के बाद इसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड द स्टेनोग्राफर एंड देयर आफ्टर वाइड ऑर्डर डेटेड
5/7/2018 इट वॉज क्लैरिफाइड दैट द पर्सन हु पोसेसेस डिप्लोमा इन कंप्यूटर डिग्री इन कंप्यूटर PGDCA BCA MCA ग्रेजुएशन विद BA BSc BTech MSc MBA वेयर इन कंप्यूटर इज वन ऑफ द सब्जेक्ट और वेयर कंप्यूटर इज अ कोर्स इन वन सेमेस्टर ऑफ द कोर्स शैल बी डीम्ड टू बी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू द CCC सर्टिफिकेट एंड शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एंड अदर पोस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों ने बोला कि आपने जब जूनियर असिस्टेंट का निकाला जो 2016 की वैकेंसी थी, बाद में आप इसमें लिया और उसमें नहीं ली, इसी आधार पर ये केस लड़ गए और केस लड़ते लड़ते बहुत सारी चीजों ने इन्होंने कुछ साक्ष्य के रूप में डाला, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर के रूप में डाला और अंततः मैं आपको इसका आउटकम बता दूं, क्योंकि आपको कहानी से मतलब नहीं है, आपको मतलब है किससे, ये केवल मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूं कि आप इसे देख सकते हो। ये एग्जैक्टली वही पीडीएफ है, वो एज अ प्रूफ पीडीएफ है। आपको पता है जब मैं कोई भी चीज लाता हूं तो ऐसे नहीं लाता हूं, आपके सामने अगर मैं लेके आऊंगा तो वो आपके लिए एकदम कंक्रीट और सॉलिड नॉलेज होगी। और इसमें यह बताया गया, मैं लास्ट में आपको सीधा ऑर्डर दिखाता हूं ताकि आपको यह बिलीव हो जाए और फिर मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। यहां पे लिखा है अलाउड अकॉर्डिंगली द रिट पेटिशनर्स आर अलाउड नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। मतलब ये क्या थे, जिन्होंने याचिका डाली थी इन्होंने, इनको इंटरव्यू देने का मौका मिला तो भाई उसमें इक्विवेलेंट लिखा हो ना लिखा हो, अगर जीओ आया है तो आप क्या होंगे, उसके समकक्ष हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो ऐसे मेरे सारे जो भाई हैं, मेरे सारे जो अनुज हैं, क्या इस बात से खुश हुए कि नहीं हुए, और अगर एक बार कोर्ट सुना है तो ये दोबारा भी सुना जाएगा और कोर्ट की ही बात है, ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट उसमें मान्य होगा। तो इस आधार पे मान्य है, बाकी क्या होगा वो देख लिया जाएगा, क्योंकि पहले भी माना है, कोर्ट ने माना है, कोर्ट का ही आदेश है और उत्तर प्रदेश राज्य का ही है, तो यहां पे तो कोर्ट की ही वैकेंसी है, इसमें कोई लफड़ा होने वाला नहीं है। इक्विवेलेंट नहीं लिखे फिर भी इक्विवेलेंट अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप सी डी में बीटेक वाले इन सब वाले बच्चे क्या हैं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो भाई बिल्कुल, और अगर कुछ ऐसा होता है तो आपका बड़ा भाई आपके साथ है, हर वैकेंसी में आपके साथ रहूं, इसमें भी आपके साथ रहूंगा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि मैं हूं परीक्षा प्लस का कोई सदस्य हो, आपसे केवल बिजनेस करने के लिए संस्था नहीं चलाती। मैं आपको बहुत खुले शब्द में बोलता हूं, अभी वैकेंसी आई है ना, सब जैसे चील कौवे की तरह संस्थाएं होती कूद पड़ेंगी वैकेंसी के लिए, नई नई कोर्स बेचो कोर्स बेचो। टीम परीक्षा प्लस लगातार पिछले 3-4 साल से इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ, UPSI ASI हुआ, स्टेनो के हुए, APS के हुए, वहां पे उन पोस्टों के लिए, उन वैकेंसी के लिए जहां पे कोई बिजनेस के चक्कर में कोर्स नहीं चलाता, उन कोर्सेस को बच्चों के मदद करने के लिए कितना भी मेहनत पड़ जाए हम लोग हमेशा आपके लिए कोर्स अवेलेबल करवाए हैं, मिनिमम फीस में करवाए, बहुत सारी चीजें निःशुल्क में उपलब्ध करवाए। तो जो बच्चे जुड़े हम परीक्षा प्लस वो हैं जो आपके SI ASI वैकेंसी के लिए आपके साथ भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के लिए आपके साथ भर्ती बोर्ड तो मेरा जाना हुआ, साथ में इको गार्डन और हर छोटी मोटी वैकेंसी में आपके साथ अगर कोई संस्था खड़ी रही तो परीक्षा प्लस खड़ी रही। तो बच्चों वो दिन भूल मत जाना, आज दिन है आपको अपने आप जो हमने साथ दिया है आपका, आज आपको हमारा साथ देने की आवश्यकता है। मैं आपको एक चीज एश्योर कराता हूं कि इस पूरी वैकेंसी में सबसे बेहतरीन तैयारी कराने वाली टीम परीक्षा प्लस होगी, सबसे कम पैसों में तैयारी कराने वाली टीम परीक्षा प्लस होगी और सबसे ट्रस्टेड सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाली टीम परीक्षा प्लस होगी। इस बात का वादा पहले भी था, वादा अब भी है और जो बच्चे जुड़े हैं वो इस चीज को समझते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, कोर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जहां पर अपने की आपके मतलब की बात होती है थोड़ा सुन लेते हैं, हमारे मतलब की बात होती है तो आप लोग सुनते नहीं है। बट मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं बच्चों कि कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया और बहुत स्पेशल फीचर आपके लिए यहां पे लेके आया हूं। क्या है ये चीज, आप लोग एक बार ध्यान से सुन लो और यकीनन आप लोग एकदम मस्त हो जाएंगे इस चीज को सुनने के बाद। तो टीम परीक्षा प्लस ने इसका कोर्स लॉन्च किया, हालांकि कोर्स की फीस थोड़ी सी महंगी रखी गई है। महंगा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये मात्र 40 दिन का कोर्स होगा, 40 से 45 दिन में हम आपके कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम ही इतना जल्दी हो जाना है, इसलिए ये टीम आपको इससे कम समय में कोर्स तैयार करवाएगी, चाहे 6-6-7-7 घंटा पढ़ना पड़े हमें पढ़ाना पड़े। अब ये आपकी अभी फिलहाल ये ऑफर में दिया गया, इसीलिए ये केवल 4 अक्टूबर तक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें प्राइस आपको क्या दिया जा रहा है, जिसमें प्राइस आपको ये दिया जा रहा है 499 रुपए। तो 499
रुपए आपका ये बैच तो है, ये आपका बैच है 2.0, इसी के साथ में जो आपका ओल्ड बैच था 1.0 बैच था, इसी के साथ आपको फ्री दे दिया गया। ताकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर समय कम है, हमें रिकॉर्डेड मिल जाता तो हम पुराना जल्दी जल्दी 3 की स्पीड, 4 की स्पीड, 2 की स्पीड, 2.5 की स्पीड में पढ़ लेते, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पुराना बैच भी दे दिया गया है, और जो पुराना बच्चा है उसे भी नया करने की जरूरत नहीं है, आपको उसी पुराने बैच में ये नया वाला बैच इंक्लूड कर दिया जाएगा। मैं एक अलग से कोर्स की वीडियो लेके आऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार से हम लोग इसमें लेके चलने वाले, बट अभी मैं बता दूं लाइव क्लासेस, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें स्टडी मटेरियल, वैलिडिटी इसके एग्जाम की डेट तक होगी, और इसमें हम लोग पूरी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो कुछ इस बिहाफ पे बना रहे हैं कि 40-45 दिन में किस प्रकार आपको बेस्ट दिया जाए। क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, टीमें आपको कोर्स बेचेंगी बट परीक्षा प्लस आपको एनालिसिस देता है, और इस बात के लिए परीक्षा प्लस जाना जाता है। हम आज से ही प्रीवियस ईयर पेपर और इसके पुराने पैटर्न पे उठा के सारी चीजें कंटेंट आपको आज से देना स्टार्ट कर दिए। मैं आपको बताऊं इसमें 4 पार्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और आपका क्या है, जीएस है। लोगों के लिए 4 है लेकिन सही मायने में जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये पार्ट आपके जीएस के हैं। और मैथ्स में केवल मैथ्स नहीं है, मैथ्स है और रीजनिंग है और मैथमेटिकल रीजनिंग है। इंग्लिश में आपका पूरा पैसेज है, ग्रामर है, वोकैब्स है, और हिंदी में आपका पूरा ग्रामर है, व्याकरण है, और आपके क्या है, शब्दकोश है। तो सब कुछ आपका कंप्लीट पूछता है। इसे केवल आप ये मत सोचिए कि 12th लेवल की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, ये वैकेंसी यकीनन इसमें एक सही रणनीति के साथ तैयारी करनी है। तो आप पिछला पेपर देखोगे, आप टीम द्वारा कराई गई तैयारी देखोगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप किसी एक पार्ट को स्किप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चारों पोर्शन को बेहतर तरीके से आप करोगे। ये मत सोचना कि कई सारे लोग बोलेंगे यहां पे हम जीएस बहुत बढ़िया पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे। जो बच्चा चारों सेक्शन को बेहतर तरीके से ले चलेगा उसी का सिलेक्शन होना है। तो इसमें बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बिहाफ पे टीम परीक्षा प्रश्न में आपको डेमो, आपको कंटेंट भी दिखा कि हम पूरा आपको टारगेट बेस इस बार क्या कराएंगे, तैयारी कराएंगे। एक बार मैं आपको डेमो पीडीएफ 2 मिनट में दिखा दे रहा हूं और उसके बाद आप देखिएगा। तो बिल्कुल टारगेट बेस हम लोग तैयारी करवाएंगे। टारगेट बेस तैयारी मतलब कि हम आपको टारगेट देंगे, आज आपको ये क्लास कवर करनी है, आज आपको ये चैप्टर कवर करना है, आज आपको ये किताब पढ़नी है, और इस किताब पढ़ने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको फिर उसी के बिहाफ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसी बिहाफ पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो कोर्स में ये सारी किताबें आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, सब कुछ। और इसके अतिरिक्त जो भी पूछा जाता है, करंट के इसमें कम होते हैं बट करंट भी आपका कवर करवाया जाएगा, करंट पिछली बार पूछा नहीं गया था। तो सारी चीजें आपका कवर करवाया जाएगा मात्र 499 रुपए में अभी। हालांकि ये बैच 4 अक्टूबर के बाद 1500 रुपए में हो जाएगा, तो ये बात आप लोग समझिएगा, इसे फिर कम नहीं किया जाएगा। और ये बैच जोड़ने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन में परीक्षा प्लस ऐप की लिंक है, आप अगर डाउनलोड किए तो कोई बात नहीं, नहीं डाउनलोड किए तो लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। पेड कोर्स में जाएंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर एससी ग्रुप सीएनडी 2.0। बहुत सारे बच्चे बोले सर इसके लिए अलग अलग बैच, सी का हो चाहे डी का हो चाहे जिसका, सबका सिंगल बैच है, सबकी तैयारी एक साथ एक ही बैच में कराई जाएगी, अलग अलग पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आप इस पर बाय नाउ पे करेंगे तो डेमो आ जाएगा, डेमो पे देख लेंगे, ब्यू डिटेल में जाएंगे, ब्यू डिटेल देख लेंगे, बाय नाउ पे करेंगे तो आप ऑप्शन आएगा इसे बाय का, स्कैन क्यूआर का, पे ऑनलाइन का। आप कोई जीपे पे चलाते हैं तो पे ऑनलाइन कर देंगे, नहीं चलाते हैं तो आप स्कैन क्यूआर करिए, जो अगल बगल चलाते हैं वो स्कैन करके आपका पेमेंट कर देंगे, आपके फोन में आ जाएगा। आप इसे देखेंगे तो यहां से भी आप इसे जब करेंगे तो डिटेल में, व्यू डिटेल में आप करेंगे तो ये क्या आपका इस प्रकार से पूरा आ जाएगा। सब कुछ आपका यहां पे जो कोर्स का लैंग्वेज होगा, ये बेसिकली हम लोग हिंदी लेके चल रहे हैं लेकिन इंग्लिश माध्यम वाला बच्चा है तो उसको भी हम लोग बाइलिंगुअल कंटेंट लेके चल रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सारे पीडीएफ क्लासेस हैं, सारे सेक्शनल टेस्ट हैं, डाउट सेशन है, कोर्स वैलिडेटेड एग्जाम है, लाइव वीडियो क्लासेस हैं और उन्हीं की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो सब कुछ। और साथ में वीओडी बैच मतलब कि जो आपका पुराना बैच है वो भी आपको इसमें दे दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के लिए बहुत बेहतरीन, और हम लोग इस रणनीति जो लेके आ रहे हैं वो रणनीति भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से टारगेट बेस, क्योंकि 45 दिन में हम कोर्स कंप्लीट करा के नहीं करा सकते, आपकी तैयारी सिलेक्शन दिलाना है तो टारगेट बेस मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। आपको बोलूंगा ये चैप्टर पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है, ये क्लास करनी है, तो ये क्लास करोगे और फिर हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे और पूरा हम लोग क्या करेंगे, एक टारगेट बेस स्टडी के आधार पे बहुत बेहतर क्लास, प्रैक्टिस और टेस्ट और सब पीडीएफ कंटेंट सब मॉड्यूल लेके चलेंगे बेहतर तरीके से। तो बस इस सेशन में इतना ही, आपका मेरे ख्याल से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कोई और भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, बाकी मैं छोटी छोटी वीडियो में सब कुछ आपको बताता रहूंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।